तो आज पाकिस्तान सुनेगा हिंदुस्तान का गगन भेदी जय घोष। जी हां, आज पाकिस्तान देखेगा हिंद के जवानों का जोश। आज पाकिस्तान टेंशन में आ जाएगा जब भारतीय जवानों के पलटन को देखेगा। आज 15 अगस्त है, हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 साल बीत गए। 77वां आजादी का पर्व हम मना रहे हैं, लिहाजा अटारी बॉर्डर पर अब से बस कुछ ही देर के बाद ऐसा ट्रेलर नजर आएगा जिसे देखकर दुश्मनों के सीने की धड़कनें बढ़ जाएंगी। आंखें लाल, रंगों में उबाल और जवानों का कमाल, जज्बा देखकर पाकिस्तान का कांपना तय मानिए। भारत माता की जय के गगन भेदी जय घोष हर तरफ सुनाई पड़ेंगे। ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक उपाध्याय और आयुषी नेगी, जो अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की पल पल की खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने रखने वाले हैं। तो भारत का कद कितना बढ़ा, हिंद के दम पर कैसे इजाफा हुआ है और दुश्मन कैसे कांपने लगे, बॉर्डर पार के हालात कैसे हैं, हर खबर आपके सामने हम रखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने पर हम लोगों को गर्व है। आप देखिए, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों का हुजूम उमड़ पड़ेगा, हुजूम ही हुजूम आपको दिखाई देगा। और आप सोचिए कि इस हल्ले में, इस आवाज में हम लोग को सुन पाना कितना मुश्किल हो पा रहा है। सबके हाथों में झंडे हैं, सब अपनी इस गर्मी में देखे, दूर दूर से देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं आज स्वतंत्रता का ये जश्न मनाने के लिए। और आप देखे, सभी के हाथों में झंडे हैं और ये देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन पलों को हम लोग बता नहीं पाएंगे शब्दों में कि कितना अच्छा हम लोगों को यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये चीज देखकर, लोगों को देखकर, लोगों के मन में जो उत्साह है उसे देखकर कि किस उत्साह के साथ, किस जोश के साथ जो लोग हैं आज वो सेना का साथ दे रहे हैं, इस खास घड़ी में यहाँ पर मौजूद है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, डट कर हम लोग अपने देश के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और देखिए ये जो तस्वीर आपको आयुषी दिखा रही थी, यही तस्वीर यहाँ की सच्चाई है। और मुझे यहाँ खुमार बाराबंकी भी याद आते हैं कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में ये एक सदी का किस्सा है, और एक सदी में इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक सदियों का इतिहास चस्पा है। देखिए, यहाँ से जब हम इधर देखेंगे सामने की ओर जो आपको गेट दिखाई पड़ रहा है, उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है। और ये जो सरहद की आपको दीवार दिखाई पड़ रही है, इस सरहद की दीवार पर भारतीय वीरों के शौर्य का घेरा है। इस सरहद की दीवार पर एक 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 अदम्य जिजीविषा, एक अदम्य जिजीविषा जो कभी भी हार नहीं मानती है, जो अपने पौरुष से देश का श्रृंगार करती है, ये उसका यहां पर बोलबाला है। और मैं आपको जब ये तस्वीरें दिखाऊंगा, और मैं बार बार कह रहा हूं कि शब्द यहां पर बौने हैं, यहां तस्वीरें हैं, उन्होंने हिमालय का रूप ले लिया है। देखिए इन तस्वीरों को, और ये जो आपको ऊपर के ब्लॉक में बैठे हुए लेख दिख रहे हैं, जहां पर लिखा है भारत, इंडिया, भारत, जिसके बारे में पाश लिख गए हैं कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां पर ये शब्द आता है वहां पर बाकी दूसरे सारे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। और ये जो आप करतल ध्वन देख रहे हैं, ये बता रही है कि दूसरे सारे शब्द यहां पर अर्थहीन हो गए हैं। यहां पर एक ही शब्द है, भारत, हर हृदय में भारत है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। ऐसे लग रहा है कि अलग 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 जगहों से यहाँ पर अलग अलग धाराएं आकर के यहाँ पर मिल गई हैं, और यहाँ पर मिलने के बाद एक जो संगम है, ये भारतीय तहजीब का संगम है, भारतीय संस्कृत का संगम है, भारतीय जिजीविषा का संगम है, भारतीय इच्छा शक्ति का संगम है, ये भारत की उम्मीदों का संगम है, ये भारत की संभावनाओं का संगम है, ये भारत के भीतर की जो जाजल्यमान प्रतिभा है। और ये जो आप शोर देख रहे हैं, ये उस जाजल्यमान प्रतिभा का संगम है। हमारे साथ में हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास भी मैं जाऊंगा, क्योंकि वो आपको ये जो तस्वीरें हम यहां से देख रहे हैं, उन्होंने जिया है इसको, और जिन्होंने जिया है, दुष्यंत कुमार लिख गए हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, तो जिन्होंने इस देशभक्ति को ओढ़ा है, बिछाया है, जो इस रास्ते पर खुद चले हैं, वो नायक आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। सबसे पहले मैं कर्नल दानवीर के पास चलूंगा, हमारे साथ हैं वो। कर्नल दानवीर, यहाँ पर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे देशभक्ति एक एक व्यक्ति के पास खुद चल के आई हो और उसकी बांह पकड़ के कह रही हो
कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मुझे अपने एहसास बताइए, आपने जिया है जो हम यहाँ देख रहे हैं, वो आपने जिया है, आपने उसको अपने जीवन में साकार किया है इस तस्वीर को, आप बताइए आपको क्या यहाँ पर ये देख के क्या एहसास हो रहा है आपको? करण दानवीर, देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको देखकर मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। जिस तरीके से वहाँ पर लोगों का उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए जो आपका जोश है वो देखते ही बन रहा है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फौजियों के लिए भी जो आम नागरिकों की तरफ से जो प्रोत्साहन मिलता है, जो उत्साह बढ़ाते हैं ये लोग, उससे आपका सीना भी चौड़ा होता है, आपके अंदर दम और हम भी बढ़ता है और जज्बा भी और मजबूत होता है। तो दरअसल जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये हमने लगातार कई वर्षों तक अनुभव किया है। इस तरीके से लोग बैठे हुए और हमेशा 2400 घंटे आपको तालियों से और जयघोष से आपको मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन जो इनडायरेक्ट तरीके से जो मोटिवेशन आता है पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, वो आपको बहुत कुछ करवा देता है जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभिषेक, बिल्कुल करण दानवीर, और अभी मैं एक आपको तस्वीर और यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। आयुषी मेरी सहयोगी वो तस्वीर आपको दिखाएंगी, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूँ, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक गूजिंग मार्च, अभी उसकी तस्वीर दिखाई पड़ेगी, और वो जो गूजिंग मार्च होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है गूज बम्प, उसको देख करके गूज बम्प फील होता है, वो क्या है मेजर जनरल के सिन्हा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन पहले आयुषी, ये जो तिरंगों की कतार दिख रही है, ये जरा दिखाइए, हर कोई देखना चाहेगा इसको, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा, कल से ही सुन रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह बात का जिक्र अभिषेक ने किया कि गूज बम्प्स आ जाते हैं यहाँ पर खड़े होकर, और आप देखिए हर किसी के हाथ में हमारी आन बान शान यानी कि तिरंगा झंडा है, चाहे किसी के हाथ में नहीं हो तो वो अपने फेस पर पेंट करवा के आया है, और अगर कोई फेस में नहीं तो वो टी शर्ट पहन कर आया है। और आप देखिए ये उत्साह, ये वही उत्साह दिखाता है लोगों का कि कितने उत्साहित है वो आज के दिन के लिए और कैसे अपने देश के साथ है। आप चारों तरफ देखें, लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा लहराता हुआ आप देख सकते हैं, दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं और दिखा रहे हैं कि कितना जज्बा एक हिंदुस्तानी के अंदर होता है, अपने देश के लिए कितना जज्बा इन लोगों के अंदर है जो हाथों में तिरंगा लेकर अपने देश का साथ देने के लिए, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, आज इस दिन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, इस दिन के गवाह बनने के लिए पहुँचे हैं, वो देखना चाहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी के अंदर कितना दम है, कितना जोश है, कितना उत्साह है, और ये उनको दिखाई भी दे रहा है। पीछे आप भीड़ देखिए, पूरा कॉरिडोर खचाखच भरा हुआ है, और यकीन मानिए जब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो ये उत्साह देखकर, ये शौर्य देखकर, और ये जो आवाज है, जो गानों की आवाज है, तालियों की गड़गड़ाहट है, उसे सुनकर हमें सच में यहाँ पर गूज बम्प्स महसूस हो रहे हैं। अभिषेक और आयुषी, मैं देख रहा हूँ जब आप बातें कर रही हैं, इतना पीछे से शोर हो रहा है जैसे लग रहा है सैलाब उड़ता हुआ अचानक से, सुनामी आती है, देशभक्ति की सुनामी मुझे लग रहा है। बिल्कुल, और उसी को सुन के आपने जिस बात का जिक्र किया कि गूज बम्प, सच में यकीन मांगे कि अभी मुझे हो रहा है, लेकिन ये गूज बम्प क्या होता है? मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं गूजिंग मार्च का जिक्र कर रहा था, मेजर जनरल के सिन्हा, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं, ये जो देशभक्त की एक ज्वार, एक ज्वार सा उमड़ रहा है, ये ज्वार अटारी से चल रहा है और सीधे दिल्ली के लाल किले तक पहुंच रहा है, और बीच में आप बैठे हुए हैं मेजर जनरल के सिन्हा, समझाइए मुझे जो गूजिंग मार्च अभी होगा उसके मायने समझाइए, और ये किस तरह से हमारे उत्साह को शिखर पर ले जाता है, वो रिश्ता क्या है वो समझाइए। जय हिंद। आज इस स्वर्णिम पर्व के लिए आपको लाख लाख बधाई, और खास करके जब आप अटारी बॉर्डर पे बैठे हैं और आप गूज बम्प की बात कर रहे हैं, तो आज गूज बम्प उस समय होता है कि जब आप ये कहते हैं, यू नो, रैम्पेट के से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा जब सूरज उगता है, तब सूरज नॉर्थ ईस्ट से जब उगता है
तो वो जो बेलोंग का इलाका है उसको कहते हैं, वहां से उठता है और जब डूबता है तो पूरब से जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अटारी एक ऐसा जगह है जहां डूबता है, और वहां पर डूबते हुए सूरज, क्योंकि हम भारत में डूबते हुए सूरज को भी हम बहुत इसकी भी हम ये मनाते हैं, उसका भी पर्व मनाते हैं, और उसमें गूज बम का एक मिश्रण जिसकी बात आप कर रहे हैं उसके बारे में, गूज बम वह होती है जब आप अपनी आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो प्रबल एक संवेदना आप में जो जागती है, उसकी प्रकाष्ठाएँ होती हैं और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और देखिए जो बातें हम अटारी को क्यों देखते हैं, कहीं वो खो जाती है अटारी में, अटारी के लिए जो ये हमारा बीटिंग रिट्रीट होता है, क्यों होता है बीटिंग रिट्रीट ये होता है कि अभी भी हमारे साथ आप बने रहिए। ये देखिए आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं वही तस्वीरें, भारत जहां लिखा हुआ है, और भारत को देखिए, भारत के जोश को पढ़िए। कभी कभी जोश को पढ़ना चाहिए, और पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि जोश यहां हर्फ दर हर्फ बिखरा हुआ है, जोश की यहां पर स्याही है, और ये वो स्याही है जिससे देश की तकदीर लिखी जाती है। तो एक जो अंतराल था, एक जो ब्रेक था, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। राम प्रसाद बिस्मिल कह गए हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। और एक बार तस्वीर देखिए, यहाँ का जो जबरदस्त जोश देखिए, वो ये जो जोश आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर पूरा एक जो समस्त हिंदुस्तान है उसकी ज्वाला को एकत्रित होता हुआ देख रहे हैं। और ये देखिए आयुषी ने ये थिरकती हुई मेरी साथी, यहाँ पर जितनी देर में बात कर रहा हूँ आप लगातार थिरक रही हैं, क्या कोई रिमोट कंट्रोल से लोग संचालित हो रहे हैं, क्या कोई रिमोट है या भावनाओं का? ये कह ही सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल है, और अपने उत्साह जो है खुद को रोक पाना इनके आगे बहुत मुश्किल हो रहा है। अभिषेक मैं देख रही हूँ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है और सब लोग थिरक रहे हैं। आयुषी ने तिरंगा ओढ़ रखा है, तिरंगा यहाँ लोग जी रहे हैं तिरंगे को। यहाँ जो देशभक्ति है वो सिर्फ शरीर पर नहीं है, वो रूह से लिपट गई है। कबा कहते हैं उर्दू में, कबा, वो रूह की कबा बन गई है, और ऐसी जगहों पर आपको रूह की कबा यानी कि लंबा वस्त्र जिसे कहते हैं उर्दू में, यहाँ रूह की कबाएं दिखाई पड़ती हैं। आयुषी दिखाइए इस तस्वीर को, देखिए मेरे चारों तरफ आप देखिए, और देखिए इधर उत्साह भी मैं लोगों का दिखाती हूँ आपको, किस तरीके से जो लोग हैं गानों में झूम रहे हैं, देश पूरे देश भर से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और देखिए किस तरीके से उत्साह यहाँ पर लोगों का दिख रहा है, गानों पर थिरकते हुए ये लोग अपने देशभक्ति का जज्बा दिखा रहे हैं। देखिए एक बार मैं लोगों से बोलूंगी, जोर से चिल्ला के एक बार दिखा लिए, और जैसा कि ये गाने भी कहते हैं कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, पूरे देश के अलबेले और मस्ताने आज अटारी बागा बॉर्डर पर मौजूद है, पूरा जोश होश सब खो चुके हैं और आजादी के स्वर्ग में रख चुके हैं। अभिषेक बिल्कुल, और देखिए आयुषी हम आप बात कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडियो में बैठे हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ उन्होंने इस दौर को जिया है, मेरे जनरल राजन कोचर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे जनरल राजन कोचर, देखिए मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो दूरी है एक गेट की दूरी है, और उस गेट की दूरी के हम इस पार खड़े हैं, लेकिन इस दूरी को हमारे देश जो ये जो इस दूरी की सैंक्टिटी है, जो इस दूरी की पवित्रता है,
जो भारत की सीमाओं की सरहद की पवित्रता है, इसको जिस तरह से हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के यथावत रखा है, स्थिर रखा है, देश में हमेशा के लिए एक नजीर की तरह रखा है, आप मुझे बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो दूर दूर देश में, देश के सुदूर हिस्सों में बैठे हुए लोग जो इस तस्वीर को देख रहे हैं, वो इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर को देखें, वो अपने अपने घरों में बैठ करके हिंदुस्तान के उन वीर जवानों को घरों से सैल्यूट करें। मेजर जनरल कोचर, देखिए आप वहां पे हैं और यहाँ पे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपने इतनी अच्छी तरीके से इस चीज को दिखाया है और हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं। देश की आन बान और शान आज दिखाई दे रही है। वाघा बॉर्डर पे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि हम में एकता कितनी है, हम में देशभक्ति कितनी है, अपने देश के प्रति हम कितना लगाव रखते हैं। ये तस्वीरें बयान अपने कर रही हैं और ये खाली वाघा तक सीमित नहीं है। फजिलका बॉर्डर और हुसैनी वाला जो फिरोजपुर में है, ये तीन ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे ये ड्रिल होती है और ये रोज होती है और ये 1959 से हो रही है। और हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, आप अगर उनकी ड्रिल देखेंगे, उनके घुटने उनकी छाती तक पहुंचते हैं। आप कहीं पर भी, जैसे आप बोलते हैं ना गूस बम्स, हम इनको रोंगटे खड़े करने के लिए बोलते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वाघा बॉर्डर पे मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे और हमेशा ऐसा लगा है कि हम एक दूसरे देश को बता रहे हैं कि हमारे देश में कितनी ताकत है। इतने लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं और सारे लोगों में ऐसा देशभक्ति का। और देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से उत्साह यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से बीएसएफ के जो यहाँ अधिकारी हैं वो लोगों को लगातार यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं और इनकी जो करताल होती है उस पर यहाँ से लयों का समंदर उठता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाई पड़ेगी और ये वो जमीन है आयुषी, ये वो जमीन है। इस बात को हमें समझना होगा जो मैसेज देती है, यहाँ का संदेश क्या है। साहिर लुधियानवी लिख गए हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर, जंग मगरिब में हो या मशरिक में, अमने आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे या सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले या औरों के, जीत फाकों में तिल मिलाती है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। और ये संदेश देता है हिंदुस्तान कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, लेकिन जब जंग को अनिवार्यता बना दिया जाएगा तो हिंदुस्तान जैसा जवाब इस दुनिया में कोई नहीं देता है। ये जमीन इस अपरिहार्य सत्य की, इस अनिवार्य सत्य की, इस शाश्वत सत्य की सबसे बड़ी गवाह है, वाघा अटारी की जमीन। और एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, और मैं जब बार बार कह रहा हूं इस तस्वीर को देखिए तो इसलिए कह रहा हूं कि ये तस्वीर हर पल बदल रही है। हर पल जैसे डिग्री होती है ना विज्ञान में, जैसे डिग्री होती है और डिग्री बढ़ती है, सेल्सियस में उसको गिन लें, उसको हम फारेनहाइट में गिन लें, तो ऐसे ही यहां पर जोश का पैमाना है। उस जोश को आप सेल्सियस में गिन लें, उस जोश को आप फारेनहाइट में गिन लें, किसी पैमाने पर गिन लें, लेकिन वो जो ज्वर है, वो जो देशभक्त का बुखार है, कोई बैरोमीटर उसे माप नहीं सकता, सब फेल हो जाएंगे। बिल्कुल वो फेल हो जाएंगे और वो फेल हो भी रहे हैं। अभिषेक आप भी महसूस कर रहे हैं और मैं भी महसूस कर रही हूँ। कल से हम भी महसूस कर रहे हैं। ये हम की कहानी है, मैं तो हम पीछे छोड़ आए हैं, ये हम की कहानी है। कल से हम लोग यहाँ पर मौजूद है और कल में और आज में आपने देखा होगा कि लाखों अंतर है, किस तरीके से यहाँ की जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। कल वहाँ भी कुछ प्रोग्राम था लेकिन वहाँ का उत्साह और यहाँ का उत्साह कंपैरिजन करेंगे तो भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन हर चीज में आगे है, चाहे वो उत्साह हो, चाहे देश के लिए जज्बा हो, चाहे सेना में टिकने का जज्बा हो, चाहे किसी भी चीज की हम लोग बात करें। तो एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत और मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आयुषी। देखिए यहाँ पर जो मौसम का चेहरा है
उस पर भी देशभक्ति का गुलाल लग गया है और धूप ओट में छिप गई है। धूप ने कहा है छां से कि आगे आ जाओ, क्योंकि जो देशभक्ति के यहां पर देशभक्ति का जो तस्वीर देखने के लिए आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनको ये मौसम का अभिवादन है। और मौसम भी देशभक्ति के रंग में नहा चुका है, मौसम पे भी तिरंगा छा चुका है और इसे उर्दू में मोजजा कहते हैं, हिंदी में चमत्कार कहते हैं। आयुषी, ये चमत्कार, इतनी धूप थी और अब धूप ने भी कहा है कि विश्राम करती हूँ, ये तिरंगे का समय है, ये हवाओं का समय है। बिल्कुल, देखिए धूप भी अब साथ दे रही, मौसम भी साथ दे रहा है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सुबह से जब हम लोग आए हुए थे तो बहुत तेज धूप थी, गर्मी इतनी थी कि खड़ा रहना मुश्किल था यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम का समय हो रहा है तो देखिए धूप भी अब साथ दे रही है, छुप गई है धूप और मौसम काफी अच्छा हो गया है। जो यहाँ मौजूद लोग हैं, गर्मी से थोड़ी बहुत राहत उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन देखिए चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जज्बा किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। जो ये उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि आज ये दिन है आजादी को मनाने का। ठीक कह रही है।